ओके गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले ये रियाज की वीडियो को शाउट आउट चो। अगर आपको भी मेरे वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम लोग खेल रहे हैं क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। और यार, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में सिटी में कैसे जा सकते हो। तो ये वीडियो इस टॉपिक पर पार्ट 3 होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल गाइस, सिटी में एंटर करते हैं। यहाँ पे इस जगह पर स्पॉन हो गए और सामने की तरफ आपको बहुत ज्यादा ह्यूज बिल्डिंग देखने के लिए मिलने वाला है। और इसका डिजाइन भी बहुत ज्यादा अच्छा है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा ऑसम इसका डिजाइन है। और लिटरली ये बिल्डिंग क्लाउड से भी ऊंचा है, ये देखो क्लाउड कितना नीचे है इससे। और गाइस, सामने की तरफ आप जो बिल्डिंग देख रहे हो, शायद से ये भी उसी ह्यूज बिल्डिंग का पार्ट है। और यार, इस बिल्डिंग का लुक देखो कितना ज़्यादा इपिक आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑसम इस बिल्डिंग को बनाया गया है। वेल गाइस, इस सिटी में आपको एक से एक बिल्डिंग देखने के लिए मिलने वाला है। और हर बिल्डिंग का एक अपना अलग डिजाइन है और हर डिजाइन बहुत ज़्यादा इपिक है। यार, आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा हर बिल्डिंग। और गाइस, इस सिटी में सारे बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ह्यूज हैं। और अच्छी बात यह है कि आप हर बिल्डिंग्स के अंदर जा सकते हो और उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हो। वेल गाइस, जैसे रियल लाइफ में स्टेशन रहता है, आपको भी इस सिटी में स्टेशन मिलने वाला है। और इस सिटी में बहुत सारे चीज़ें हैं, मैंने उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि ये सिटी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यार, एक चीज़ मुझे समझ नहीं है, इस केज में ये देखो ट्री को रखा गया है, पता नहीं क्यों। वेल गाइस, ये देखो ये रही इस सिटी के रेस्टोरेंट। और इस रेस्टोरेंट में आपको एक सुंदर सा वाटरफॉल मिल जाएगा। और ये देखो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये रेस्टोरेंट। और गाइस, इस सिटी में गेम्स खेलने के लिए भी एक प्लेस है। ये देखो ये रहा एक गेम, और इस गेम को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और यार, इस सिटी में एक बास्केटबॉल खेलने के लिए भी प्लेस है, शायद से मैंने उस प्लेस को वीडियो में नहीं रिकॉर्ड किया है। वेल गाइस, अगर आप रोड पर चलोगे तो ये देखो कुछ ऐसा व्यू आने वाला है, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। ओके गाइस, चलो मैं आपको बताता हूँ आप इस सिटी को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। वेल गाइस, सबसे पहले आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है एडोन्स फॉर माइनक्राफ्ट। तो ये देखो ये रहा हुआ ऐप, आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ओके गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसे ऐप को ओपन कर लिया है। फिर आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है सिटी। तो सिटी सर्च कर एंटर कर देना, फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाना। और कुछ देर स्क्रॉल करने के बाद आपको इको सिटी नाम का एक मैप मिलेगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर इंस्टॉल का बटन आएगा, इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करते ही आपका ऑटोमेटिकली क्राफ्टिंग बिल्डिंग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुल इंस्टॉल्ड, फिर आपका सिटी इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो हमारा सिटी इंस्टॉल हो चुका है, इस सिटी का नाम है इको सिटी। ओके गाइस, आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय सायोनारा।